गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हम जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ और अदर एग्जाम, जो भी आप एसएससी के एग्जाम देते हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमारा यह वीडियो पार्ट 6 है। ऑलरेडी मैं 5 वीडियो डाल चुका हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जीके जीएस चैलेंज के नाम से, या फिर ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल के नाम से भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप सारे टेस्ट लगा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो इस प्रकार के जीके और जीएस और प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, इस वीडियो के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगी। इस पर टेलीग्राम लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। वहां पर जाइएगा और वहां पर और भी सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहता हूं मैं, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखिए जो व्यक्ति मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो बता दूं मैं, ये वीडियो जो होती है 8 से 9 बजे डेली डलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए जैसा कि मैंने बोला था आपको, दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे और हम दोनों का आंसर अलग अलग करके देंगे। ठीक है, सबसे पहला है किसने ईयर ब्रेक का आविष्कार किया। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत ने एक्टिविटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है। ठीक है, तो पहले का आंसर देखिए, पहले का आंसर है जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। क्या है? जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने आविष्कार किया ईयर ब्रेक का। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, भारत में एक्टिविटी बाजार किस संस्था के नियंत्रण है। एक्टिविटी बाजार का मतलब होता है जो आपका शेयर मार्केट होता है। क्या होता है? शेयर मार्केट होता है जिसपे लेन देन होता है ऑनलाइन। ठीक है, पैसे का लेन देन होता है या किसी भी चीज का लेन देन होता है ऑनलाइन होता है, वो शेयर मार्केट हम उसे कहते हैं। तो उसका नियंत्रण किस किस पर है? सेबी पर है। किस पर है? सेबी पर है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रेमिंग की है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। पहले का आंसर है गणित। ठीक है, मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है एवल पुरस्कार। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए अगर आपको ऑक्सीजन दिया हो तो आप ऑक्सीजन पे लगाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ठीक है, ओके, और मनुष्य के शरीर में भी सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, अलास्का किस देश का भाग है, बताना है अलास्का किस देश का भाग है। और 6 नंबर है, थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय से संबंधित है, आपको बताना है। अलास्का है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का देश। ठीक है, अलास्का किसका देश है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। ठीक है, ठीक है, भाग है। ठीक है, थोक सूचकांक किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये मंत्रालय संबंधित उद्योग मंत्रालय से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7, 7 और 8वां क्वेश्चन, झारखंड राज्य का कब गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है मकरान तट। क्या है? मकरान तट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 और 10, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है, बताना है किस भाग में उल्लेख है नागरिकता का। ठीक है, तो यह भाग है 2। ठीक है, डंडा नाट किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, बताना है डंडा नाट किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो यह है उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। नेक्स्ट देखते हैं, रेविज के टीके की खोज किसने की, बहुत ही सिंपल। 12वां क्वेश्चन पढ़िए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए मैं बता दूं, आज आपको आज इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको 50 नहीं मिल पाएंगे, इसमें आपको 25 ही क्वेश्चन मिलेंगे आज, ठीक है। ओके तो देखिए पहले का आंसर देखते हैं, रेविज की खोज की थी लुईस पाश्चर ने, और राष्ट्रपति पर मास वियोग लगता है जो, वो किस संविधान या किस किस देश से लिया गया है, वो संविधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात है, देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं, तो पहले का आंसर होता है छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है, और 15वें का है सतलज और चिनाब और रावी नदी है जो सिंधु नदी के की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक पता होगा, जीके क्वेश्चन है। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है, बताना है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, पहले का आंसर देखिएगा, केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, और सोमनाथ जो मंदिर है वह है गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यटन स्थल सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है, बताना है आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी बताना है आपको। देखिए पहले का आंसर है सूरजकुंड, पर्यटन स्थल है हरियाणा में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष का नाम था मदन मोहन मालवीय है, क्या, मदन मोहन मालवीय है। नेक्स्ट देखिएगा, उन किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है, बताना है किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है, तो देखिए एक ही ग्रह है बृहस्पति जिसका घनत्व बहुत अधिक है, ठीक है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, कुषाण काल में आपको बताना है किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ, तो यह हुआ था वास्तुकला में, किसमें, वास्तुकला में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, 22वां देखिएगा, किस भारतीय को जागृति जनक कहा जाता है। ओके तो पहले का आंसर तो आपको पता होगा विटामिन सी, किस भारतीय को जागृति का जनक कहा जाता है, तो ये इनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कोयला किस प्रकार की चट्टान है, बताना है कोयला किस प्रकार की चट्टान है, तो ये चट्टान है पर्तार चट्टान, क्या है, पर्तार चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से आता है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये जाना जाता है गोल्डन पांडा पुरस्कार, कौन सा, गोल्डन पांडा पुरस्कार। नेक्स्ट देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, गृह अनयन नयन बिनुबानी, क्या है, गिनी अनयन नयन बिनुबानी किस कवि की उक्ति है, तो यह कवि, इनके कवि का नाम है तुलसीदास, बहुत ही फेमस हैं। और देखिए अगर आप को याद हो तो जब 5th या 6th क्लास में तुलसीदास जी की बहुत सारी कहानियां आती थी, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रही होगी आपकी, आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत ही ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस निकाले, इसलिए 25 हुए हैं। कमेंट करके बताइए कितने अटेम्प्ट किए और कितने सही रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उनका और आपका स्कोर आपको पता चल सके आप कितने अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो के नीचे वो लाल रेड का बटन अभी भी दिख रहा है तो आप उसको दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो जो चैनल है हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोज होती हैं जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड होती हैं, देखिए। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।